तो भैया आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। आज हमने दोनों भी फ़ोन के स्पीकर्स आपको अपने मुंह से टेस्ट करके दिखाए हैं और अपने जो बेस है वो अपने हाथों से टेस्ट करके दिखाई है। तो भैया बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो है, मज़ा आने वाला है आपको, तो एंड तक बनना गाइस। तो भाई आज मैं आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाई थी मोटो G52 के बारे में। इतना सपोर्ट रहा लोगों का उस वीडियो पर और इतने ज़्यादा कमेंट आए कि यार नोट 11 और ये तो एक ही सिमिलर है, एक ही प्राइस पर है दोनों भी, है ना। जो नोट 11 है वो 13,500 का है और वो 14,500 का है, तो दोनों भी सेम है, 1000 रेट का डिफरेंस है। तो कौन सा बेटर है भैया, दोनों में क्या डिफरेंस है और मेरा क्या ओपिनियन है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में टोटली कंपैरिजन करके दिखाया है। सब कुछ, स्पीकर, डिस्प्ले, पतला चौड़ा लंबा छोटा, भैया सब कुछ बताने की मैंने कोशिश की है। मज़ा आएगा इस वीडियो में आपको कंपैरिजन देखने में। और हाँ, अगर आपको और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, जो स्पेशली हमारे लिए रहते हैं फ़ोन में उन पर वीडियो बनाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी फ़ोन की जो सिर्फ हमारे लिए है, तो उस पर आपका बहुत सपोर्ट रहा। उम्मीद है इस वीडियो पर भी आप उतना ही सपोर्ट दिखाओगे, सभी के साथ शेयर करके और वीडियो को लाइक करके। गाइज जितने आपके लाइक आएंगे और हम ऐसे ही चुन चुन कर आपके लिए फ़ोन लाएंगे। बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगी है इन दोनों के कंपैरिजन करने में, और मैंने जो अपना ओपिनियन किया है नोट 11 के साथ वो मैंने आपको अपने साथ जो अपना एक्सपीरियंस है वो बताया है, ठीक है। तो गाइज वीडियो में लाइक की कमी बिल्कुल नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट है आपसे लाइक का बटन आपकी ओर से जल्द बताना चाहिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले। कर दो यार लाइक, स्पीकर टेस्ट देखना है ना, मज़ा आएगा, एंड तक देखना सब कुछ जानने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो अगर हम बात करें एक्सेसिबिलिटी के बारे में, तो भाई एक्सेसिबिलिटी के बारे में यहाँ पर आपको मैं एक ही चीज़ डिफरेंस बताऊँगा, जो मोटरोला का G52 है वो है स्टॉक एंड्रॉयड और जो रेडमी नोट 11 है वो है कस्टमाइज एंड्रॉयड। अब अगर आपने रेडमी के फ़ोन्स पहले यूज़ किए हैं, है ना, नोट 7 प्रो, नोट 9 प्रो, नोट 8 प्रो, नोट 10 प्रो, कुछ भी आपने यूज़ किया है, तो आप नोट 11 आँख बंद करके ले सकते हो। जैसी आपको एक्सेसिबिलिटी वहाँ मिल रही थी वैसी ही एक्सेसिबिलिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट्स है, है ना, बाकी बिल्कुल सेम UI है, अभी तक रेडमी का बदला नहीं है। इवन मैंने नोट 5 प्रो से कंपेयर किया था तब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेम लगी है, है ना, मतलब नोट 11 आ गया लेकिन नोट 5 प्रो में भी MIUI 11 चल रहा है, तो उसमें और MIUI 13 में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर लगी। हाँ कुछ फीचर इसमें नए ऐड हुए हैं बट बाकी जो इंटरफेस है वो बिल्कुल सेम है, इन लोगों ने चेंज कुछ नहीं किया है। तो अगर आपने कुल मिलाकर रेडमी का फ़ोन यूज़ किया है तो आप सिंपली नोट 11 के साथ जा सकते हो। और हाँ एक और बात मैं बता दूँ, अगर आप पहले से कस्टमाइज एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड पर जाते हो ना तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा सच में। आपको एक तो बार ऐसा लगेगा कि भाई मैंने क्या ले लिया यार, हालांकि उस फ़ोन के सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन एक यही चीज़ है, अगर आप एडवांस यूज़र हो या अगर आप पहले से कस्टमाइज एंड्रॉयड यूज़ कर रहे थे फुल्ली कस्टमाइज एंड्रॉयड, मतलब आपको उसमें सब कुछ आपको नॉलेज थी उसमें, तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक एंड्रॉयड पर जाओगे तो भाई आपके लिए समस्या हो सकती है यहाँ पर, है ना, आपको लग सकता है कि भाई ये फ़ोन अच्छा नहीं है, है ना, लगेगा ही आपको एक दो एक बार तो फील आएगा ही आएगा। तो यही है आपकी सिंपल से एक्सेसिबिलिटी, आपको पता ही है किसमें ज़्यादा बेहतर होती है। अब जो स्टॉक एंड्रॉयड है वो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा क्लीन होता है ना, गूगल के द्वारा होता है स्टॉक एंड्रॉयड पूरा, तो वो एक्सेसिबल होता है। लेकिन रेडमी के फ़ोन भी एक्सेसिबल नहीं है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ भैया मैं, रेडमी के फ़ोन भी एक्सेसिबल है गाइज, है ना, 90 से 94% तक ये फ़ोन एक्सेसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती मेरे को एक्सेसिबिलिटी में, है ना। तो एक्सेसिबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस किसी में भी नहीं है, आपको पता है स्टॉक एंड्रॉयड एक्सेसिबल है, लेकिन मैंने आपको जो बताना था वो बता दिया है, डायरेक्टली स्टॉक एंड्रॉयड पर जाना थोड़ी सी समस्या हो जाती है। तो ये तो रही भाई एक्सेसिबिलिटी की बात। अब गाइज यहाँ पर हम बात करेंगे अगर परफॉर्मेंस के बारे में, तो भाई परफॉर्मेंस जो है दोनों में भी आपको सेम देखने को मिलेगी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं करूँगा मैं, है ना। उसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 680 और इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिलेगा दोनों भी फ़ोन में, तो दोनों भी फ़ोन में परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है परफॉर्मेंस के मामले में। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं है तो कोई भी ले सकते हो जो आपको दोनों में पसंद हो, है ना, तो बिल्कुल सेम है, वो भी 6 NM है, ये भी 6 NM है, ये जो परफॉर्मेंस के बाद ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें बताने के लिए। अब गाइस बैटरी की बात करें तो वो भी दोनों में सेम है, चार्जिंग की बात करें वो भी दोनों में सेम है। अब मैं पर्सनल अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं इन दोनों भी चीज़ों में, बैटरी के मामले में अगर नोट 11 और मोटो G52 की बात करूं, जो G52 के मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, नोट 11 मैंने खुद यूज़ किया है। अब गाइस सबसे पहले चीज़ मैं ये बता दूं कि रिव्यू में जो आपको बताई जाती है चीज़ें वो सच होती है दोस्तों, काफ़ी हद तक सच होती है, है ना, जो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, है ना, अनबायस्ड रिव्यू देते हैं वो उनकी बातें काफ़ी हद तक देखा जाए तो सच भी होती है, है ना, क्योंकि वो खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं। लेकिन एक मैंने देखा था कि नोट 11 को चार्ज होने में लग गए थे 1 घंटे, पता नहीं 37 मिनट, पता नहीं 48 मिनट,
भाई लिटरली इतने तो नहीं लगते, 0 से अगर हम 100 करें स्विच ऑफ करके करें तो 1 घंटे 15 मिनट में हो जाएगा वो, है ना। लेकिन अगर हम ऑन करके करें तो हाँ, तब अगर इंटरनेट भी ऑन हो, सब कुछ ऑन हो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है ना कमरे का तो 1.5 घंटे में लगता है, 1.5 घंटा लगता है उसको, और टेम्परेचर का वैसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है चार्जिंग पर। तो ये रिव्यूज़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बताते हैं जो उनके साथ है, ऐसा होता है। अब हम खुद की अगर बात करें तो नोट 11 में बैटरी बैकअप मेरे को एक दिन का तो 100% श्योरिटी है कि ये दे ही, जब से मेरा फ़ोन आया है कभी भी दिन में 2 बार चार्ज नहीं लगाया, टच वुड, लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी है, मतलब एंड तक भी 30 बैटरी रह जाती है, तो सुबह की दोपहर तक वो चल जाती है, यानी कि 1.5 दिन ही कुल मिलाकर निकाल के देता है मेरे को। अब यहाँ पर G52 की जहाँ तक मैंने बात करी रिव्यूज़ देखे तो उसमें ऐसा दिखाया गया है कि 7.5-8 घंटे यहाँ पर, 7 घंटे 7.5 घंटे यहाँ पर बैटरी बैकअप वो दे रहा है, और ये इसका जो दिखाया गया रिव्यू में 9 घंटे 9.5 घंटे है ना। और गाइज ये सच में रियलिटी है, डिजिटल वैल्यू में देखूँ स्क्रीन ऑन टाइम है 2 घंटे निकालता है ये, मैंने देखा था। अब G52 में ऐसा कम क्यों है बैटरी बैकअप? सो गाइज उसका सिंपल सा रीज़न है, उसमें है POLED डिस्प्ले, है ना, और इसमें है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। अब सुपर एमोलेड जो है बैटरी बहुत ज़्यादा बचत करती है, POLED जो है इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, है ना। हालांकि स्लिमेस्ट डिस्प्ले होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, प्रीमियम फ़ोन में आपको देखने को मिलती है, लेकिन सुपर एमोलेड मेरे को ज़्यादा बेहतर लगती है क्योंकि बैटरी बचाती है, डार्क मोड वगैरह उसी पर असर करता है ना। ये यहाँ पर एक तो रीज़न हो सकते हैं इसलिए, हालांकि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों बैटरीज में। तो आप कुल मिलाकर बैटरी और कंक्लूजन की बात करें, मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, तो आप दोनों में से किसी के भी साथ जा सकते हो, लेकिन हाँ नोट 11 आपको थोड़ा सा आधे दिन का या 1.25 दिन का बैटरी बैकअप ज़्यादा देता है, बस इतना ही डिफरेंस है यहाँ पर, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो इनमें से भी। अब गाइस चार्जिंग की बात करें तो दोनों में आपको 33 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, है ना, दोनों भी सेम टाइम पर चार्ज होंगे, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, प्रोसेसर दोनों में सेम है क्योंकि, और बैटरी भी सेम है। अब गाइज हम बात किसकी करें यार, चलिए बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो जो मोटो G52 है ना, वो 7.99 mm की थिकनेस पर बना हुआ है, मतलब बहुत थिन फ़ोन है, बहुत पतला फ़ोन है। अब नोट 11 की बात करें तो 8.5 mm की थिकनेस पर बना हुआ है, जो कि ठीक है ना, एवरेज है। और जो यहाँ पर वेट है दोनों के, मोटोरोला G52 का 169 है और नोट 11 का 179 है, 180 170, 10 ग्राम का फ़र्क है। तो भैया अगर आपको हल्का फ़ोन चाहिए, मतलब इतना भी हल्का नहीं है, 10 ग्राम में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, और अगर आपको ज़्यादा पतला फ़ोन चाहिए तो पतले में भी कोई ज़्यादा फ़र्क लगेगा नहीं आपको। तो कुल मिलाकर अगर आपको ये दोनों ही प्रेफर करती है कि आपको भाई हल्का फ़ोन चाहिए, लाइट वेट चाहिए और पतला चाहिए यार, बस कहीं भी घुसा लो भैया, तो आप उसकी ओर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मतलब नहीं है, है ना, अगर आपको क्वालिटी चाहिए, बेहतरीन फीचर चाहिए, सब चाहिए, नोट 11 बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। मेरे को कोई इतना पतला नहीं लगता है, वैसे मैंने फ्लिप कवर चढ़ा रखा है तो उसकी थिकनेस 10.10 mm कर देता है, और जो उसका वेट है वो कर देता है 280 ग्राम। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत भारी होता है फ्लिप कवर, तो मैंने तो पूरे फ़ोन का बिल्ड ही बिगाड़ दिया है। लेकिन नॉर्मल कवर में अगर यूज़ करूँ तो बड़ा मस्त लगता है इस फ़ोन, प्रीमियम से लगता है ना, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत पसंद आता है, ये बात है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात होगी, अब छोटा बड़ा कौन सा है भैया, लंबा चौड़ा तो कर लिया हमने, कितना लंबा चौड़ा, कितना पतला मोटा है, तो अब भैया छोटा बड़ा कौन सा है? तो भैया नोट 11 आपको मिलेगा 6.4 इंच के छोटे से डिस्प्ले के साथ, ये छोटों में ज़्यादा ओवरएक्टिंग नहीं होगी। और यहाँ पर जो मोटो G52 आपको मिलेगा वो मिलेगा 6.6 इंच के बड़े डिस्प्ले के साथ। तो भैया अगर आपको सिनेमा हॉल चाहिए फ़ोन में, टीवी चाहिए, तो मोटो के साथ जाओ, घुस जाओ भैया उसके साथ, निकल लो मोटो डाल दो, मोटो चला लो अपने फ़ोन में, मतलब मोटो ले लो। अगर आपको चाहिए नोट 11 तो आप, अगर मतलब अगर आपको छोटा फ़ोन चाहिए, मतलब है ना, मतलब छोटू सा चाहिए आपको, है ना, क्योंकि गाइस मेरे को तो सिंपली पर्सनली बताओ, मेरे को कॉम्पैक्ट फ़ोन बहुत पसंद है, मेरी टक्कर लग गई टेबल से, दर्द हो रहा भैया। तो भैया मैं बता रहा था कि मैं अगर पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊँ तो सच में मेरे को लिटरली कॉम्पैक्ट फ़ोन बहुत पसंद है, जो छोटे होते हैं, है ना, मतलब मेरे को बड़े फ़ोन चाहिए ही नहीं, ये बड़े फ़ोन तो उनके लिए होते हैं, इनको ज़्यादा कंटेंट देखना, अरे भैया हमको क्या देखना, हमको तो सुनना ही है, स्पीकर बढ़ा दे दो हमको, फ़ोन बढ़ा नहीं चाहिए, लिटरली गाइस स्पीकर बढ़ा दे दो हमको। अब स्पीकर की बात आई गई तो स्पीकर की बात करेंगे आगे, है ना। तो ये यहाँ पर बात हो गई कि अगर आपको छोटा फ़ोन चाहिए तो आप ले सकते हो नोट 11, 6.4 इंच का है वो 6.6 इंच का है, तो 2 इंच का फ़र्क है, जो कि लगता है, फ़र्क लगता है ना। तो यही बात है, मैं तो भाई नोट 11 को चूज़ करूँगा इसमें। अब स्पीकर की बात करते हैं तो भाई दोनों में भी आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं। मैंने जितने रिव्यूज़ देखे हैं और अपना पर्सनल ओपिनियन देखा है दोनों फ़ोन के रिव्यूज़, मैं सब रिव्यूज़ देखकर आपको बता रहा हूँ और अपना ओपिनियन आपके साथ बता रहा हूँ नोट 11 का। तो गाइज मोटोरोला का स्पीकर जो है थोड़ा सा ज़्यादा लाउड लगता है मेरे को, है ना, हालांकि बेस दोनों में भी सेम है, स्टीरियो स्पीकर है बलिजीज तो दोनों में, एक ऊपर एक नीचे, एक साइड में, एक दाएं में, एक बाएं में, एक आगे एक पीछे, और पता नहीं कहाँ कहाँ,
तो गाइज ऊपर और नीचे है ना, और लाउडनेस अगर हम कहें तो मोटरोला की ज़्यादा है, मतलब तेज जो है स्पीकर मोटरोला का बोलता है, काचा हा बादाम काचा काचा हा बादाम, तो उसमें सुनने में आपको मज़ा आएगा और नोटली में ऐसा लगे काचा हा बादाम काचा काचा हा बादाम, लेकिन बेस दोनों में सेम आएगा। बेस कैसा आएगा? नोटली में आएगा काचा हा बादाम काचा काचा हा, और उसमें आएगा काचा हा बादाम काचा काचा हा बादाम। भैया कैसी हरकतें कर रहा हूँ मैं? तो भैया मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों में बेस तो सेम है लेकिन लाउडनेस का फ़र्क है। नोट एलियन में थोड़ी कम लाउडनेस है, और ये है सच में, लगता है फुल आवाज में सुनूंगा तो कम लगता है थोड़ा सा, लेकिन हाँ ओके है, सेटिस्फाइड हूँ। टॉक बैक की साउंड मस्त आती है, और हाँ मोटरोला G52 में जो है थोड़ी सी लाउडनेस ज़्यादा है, बेस भी उतनी है, लेकिन टॉक बैक की साउंड भी मस्त आएगी, आपको मज़ा आ जाएगा, ऐसा लगेगा प्रीमियम फ़ोन चल रहा है। तो ये बात है गाइस, है ना, बॉक्स में दोनों भी सेम चीज़ें देते हैं, बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब कैमरे वैमरे की बात मैं करूँगा नहीं, अब मेरे को मतलब नहीं है कोई, आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्या करना है भैया कैमरे का। तो भैया अब कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हो गई। हेलो मोटो, तो मोटो के आपको सब फीचर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ स्टॉक एंड्रॉइड कस्टम एंड्रॉइड एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में भी। अब मैंने जितनी सारी चीज़ें हो सके आपको बताने की कोशिश की है, सब में पोर्ट्स वगैरह सब सेम है, सब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है दोनों में, सब ये तो बेसिक चीज़ें हैं, मैंने आपको सब क्लियर कर दी हैं। अब गाइस मैं कंक्लूजन की बात करूँ, अपनी बात करूँ, तो भाई देखो मेरे को चाहिए ज़्यादा फीचर्स वाला फ़ोन, है ना, मुझे कस्टमाइज चाहिए, मैंने स्टॉक कभी यूज़ किया नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक एंड्रॉइड करने में यार ऐसा फील आएगा यार यूज़ करने में कि मतलब लो सा है, मतलब मज़ा नहीं आएगा कुल मिलाकर मेरे को, तो है ना। तो मेरे को जो है ज़्यादा फीचर वाला चाहिए, मेरे को छोटू सा फ़ोन चाहिए, और बाकी मेरे को स्पीकर वगैरह अच्छे चाहिए जो कि दोनों में है। तो कुल मिलाकर मैं चूज़ करूँगा नोट 11, क्यों? क्योंकि वो छोटू सा फ़ोन है, सबसे पहली चीज़ तो मेरे को यही है, छोटू भी है, लाइट वेट भी अपने हिसाब से देखा जाए तो नोट 11 वो भी है मोटो, और वो पतला भी है, मतलब इतना मोटा इतना लंबा और इतना भारी फील नहीं होता है, और वो छोटा सा फ़ोन है, तो ये मेरे को एक तो कुल मिलाकर पूरा कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगा है। दूसरा सुपर एमोलेड है तो थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा बचाता है, और तीसरा सबसे बड़ा कस्टमाइज्ड एंड्रॉइड है, इसके कारण मैं इसको चूज़ करूँगा। तो सिंपल सा मेरा तो यही कंक्लूजन है। तो मैंने गाइस आपको दोनों में कंपैरिजन करके बता दिया जितनी चीज़ें हो सकी, है ना, और मुझे लिटरली बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई करो कंपैरिजन करो, तो मैंने हो सका यहाँ पर जितना कंपैरिजन करने की कोशिश की है। तो अब आपका क्या मानना है, आप क्या चुनोगे, वीडियो कैसी लगी सब कमेंट करके बताइए, पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, प्लीज़ लाइक कर दो यार, शेयर कर दो सभी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना, गाइस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार आजकल, ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो, फीमेल्स अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से जुड़ सकते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।